बीएससी सुश्री गोपिका शर्मा, बीएससी रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट श्री प्रहलाद सिंह छाला, बीएससी कृषि श्री सुमित कुमार अग्रवाल, नर्सिंग श्रीमती मणि प्रभा आत्रे, बीबीए सुश्री हिना आहूजन, बीबीएम सुश्री निधि मोरिया, इनकी माता श्री के स्थान पर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। बीसीए सुश्री आकांक्षा राजपूत, बीएड शिक्षा शास्त्री सुजना चंडालिया, एथलेटिक्स राष्ट्रीय स्तर पर चयन। माल्यार्पण कर इन सभी विभूतियों का अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। जिन्हें विभिन्न अलंकरण अभी प्रदान किए जाएंगे, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अभी हम उनकी ध्वनियों के बीच, प्रतिध्वनियों के बीच में हम सभी देखेंगे, महसूस करेंगे उन तमाम महानताओं को जो इन व्यक्तियों ने जी, कैसे कोई व्यक्ति कृतित्व बनता है। अनुकंपा तथा आदि गुरु महर्षि हरित राशि के आशीष से मेवाड़ का प्रादुर्भाव हुआ और तभी से गुरु शिष्य परंपरा के आदर्श की स्थापना भी हुई। मेवाड़ में जनहित तथा परोपकार के प्रण पालन की मर्यादा से निरंतर चली आ रही है। गुरु की आज्ञा से यहाँ के दीवान राज्य के स्वामी न होकर एक धरोहर के मात्र न्यासी ही बने रहे। इस अनुपम शासन प्रणाली के शाश्वत मूल्यों के आधार पर पारदर्शी एवं सर्वथा निर्दोष राज की व्यवस्था का आविष्कार किया, जो विश्व के इतिहास में सबसे अधिक चिरजीवी अखंडित प्रमाणित हुई, जिसमें राज का स्वामी के सेवक तथा आदिपति से न्यासी भी बने रहे। उसका ब्रह्म ज्ञान आदि गुरु महर्षि हरित राशि का रघुवंशी नाम से भरत को मिला था। स्वरूप ऋषियों की यह देव भूमि सदैव अजय और यशस्वी बनी रही। कालांतर में जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब मेरे पूज्य पिता ने अपना सर्वस्व दान कर पांडा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की थी, ताकि जनसेवा और परोपकार की परंपरा अवार गति से चलती रहे। उस समय समारोह आयोजित कर हम प्रतिवर्ष उसी कर्तव्य बोध की प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अधिकार की संपदा समाप्त हो सकती है, वो मनुष्य के कर्तव्य सदैव जीवित रहते हैं। जमींदारियां जा सकती है, जिम्मेदारियां कभी नहीं मिटेंगी। हमारे विनम्र सम्मान को ग्रहण करने ये तो यहाँ पर आए, निरंतर प्रयत्नशील रहा है। फाउंडेशन के संस्थापक मेरे पिताजी के समय वैकुंठवासी हो जाने से कारण ये सारे दायित्व का भार कुछ वर्षों से मेरे कंधे पर पड़ा। इन वर्षों में माना मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के साहित्य, कला कौशल, इतिहास एवं निर्माण आदि के क्षेत्र में जिस आचरणशील कर्मनिष्ठा का परिचय दिया है, वो सब आज आपके सामने है। इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बुजुर्गों के आशीष और आप सबके सहयोग से आज फाउंडेशन की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर स्थापित होकर
प्रमाणित हो चुकी है। यह सब कुछ हम आपके सक्रिय योगदान के बल पर ही करते आए हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप अपनी कृपा का ऐसा ही संबल हमें प्रदान करते रहेंगे। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और गद्य के साथ दो चार मिनट कविता का भी की भी सहायता लेना चाहूंगा, क्योंकि कविता कम शब्दों में बहुत कुछ कहने में समर्थ होती है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की स्थापना बैकुंठवासी बड़े हुजूर महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ ने अपना सर्वस्व दान कर इस संस्था का निर्माण किया था, इसलिए कि मनुष्यता के कुलाभिमान की और मानव मूल्यों की सेवा निरंतर होती रहे। मैं इस फाउंडेशन से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। बड़े हुजूर ने मेरे शब्द में अपना विश्वास प्रकट किया था और तब से लेकर आज तक मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं शब्द के धर्म का निरंतर निर्वाह करता रहूँ। मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने आस्था संपन्न व्यक्तियों के सम्मुख अपनी बात कही थी, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपका मौन जो है वो थोड़ा सा है, वो अलग बात है। मैंने तीन तीन पीढ़ियां देखी हैं। मैंने बड़े हुजूर की संस्थापक जिजीविषा देखी, वर्तमान में श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ की समर्पित कर्म निष्ठा देखी, फाउंडेशन के भविष्य को सर्वथा सन्नद्ध और सावधान देखा। आदरणीय महानुभाव, तब मैंने ये लिखा जो ये चार पंक्तियां आप अक्सर देखते होंगे, जो आज मेवाड़ के मंत्र रूप में स्थापित हो चुकी हैं, मैं इसे अपना सौभाग्य भी मानता हूं। इन तीन पीढ़ियों को बहुत निकट से देखने के बाद में तब इस छंद का निर्माण हुआ, सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा, रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वो दिया जलता रहा। एपीजे अब्दुल कलाम इस मंच से सम्मानित होने के पश्चात कुछ ही दिनों बाद भारत के राष्ट्रपति बने, ये हमारे लिए कितने बड़े गौरव की बात है। Of rupees 10 ending with serial number 786 been about 5 years ago and has won 29 medals has been a passion with him. To achieve laurels for his country was his aim in Udaipur. During his time in Udaipur, he used to deliver newspapers to meet his daily expenses. She completed her master's in geography and did her studies in law and bachelor's in education. She is presently pursuing labor law conferred upon Pandita Anuradha Pal, who is a world-renowned multifaceted tabla virtuoso, multi-percussionist and music composer, who has been hailed as the first goddesses of Indian mythology. Regent has indeed been fortunate. His stint in Fiji Islands, he had been actively associated with the activities of the Ramakrishna Mission, the community when Harvard University USA published Primates of South Asia in 1977 for water conservation and an astrologer by profession. He is crusading vigilantly to reduce water scarcity and has played an instrument. Sanskrit, Tamil, Hindi, English, Telugu, Kannada, Malayalam and Oriya. He has attended more than 100 seminars, workshops, symposia as a resource person at government Sanskrit college examinations. He is also the recipient of the Harit Rashi Award. Truly be smiling down upon this captain Uday Kumar Sondhi, recipient of the Shaurya Chakra, completed his schooling at St. Aloysius Higher Secondary School
Jabalpur and Science College Jabalpur. He was wisdom is real power. The Maharana Uday Singh Award for 2013 is being conferred upon Dr. Tessie Thomas. The purpose of her work has been to carry out research that aims to better support the management of leopards and reduce conflict, especially attacks on humans. This degree dharak Dr. Farooq Abdullah ka janm 21 October 1937 ko Jammu Kashmir ke Saura kasbe mein Jammu and Kashmir National Conference ke sudeta Sheikh Abdullah ke ghar hua. Dr. Gandhar, ek vilakshan bahuayami हर क्षेत्र को जिन्होंने स्पर्श किया, शिक्षा हो या सामाजिकता हो या प्रशासन हो या नेतृत्व, इन विभिन्न लेडीज एंड जेंटलमैन, आई फील अर्नब्स प्रोफाइल इज अ पैराडॉक्स टू हिज अचीवमेंट, टू ब्रीफ फॉर अ मैन हु इज फास्ट एंड फ्यूरियस. यूनाइटेड नेशंस नोटेबली एट यूनेस्को. Democracy in our secular character. India became free in 1947. Sentalis mein hamara desh azad hua. Azadi ka khwab un logon ne bhi dekha tha, jinhone kabhi nahi samjha ki azadi aayegi nahi, magar apni jaan ka balidan de diya. Umeed yahi hai hum sabko ki jo hum nahi kar sake वो ये नया भारत करेगा. मगर सबसे बड़ी चीज मैं इसे जरूर कहूंगा, अगर भारत को एक रखना है तो हमें एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करनी है. एक बात याद रखिएगा, भगवान मंदिर में नहीं है, खुदा मस्जिद में नहीं है, खुदा मेरे दिल में है और भगवान आपके दिल में है. जिस दिन भारत का निवासी ये देख लेगा कि वो अपना भगवान फारूक अब्दुल्ला की आंखों में देखता है और फारूक अब्दुल्ला अपने अल्लाह को महाराज साहब के आंखों में देखता है, उस दिन ये भारत सचमुच भारत बनेगा. उस दिन ये भारत वो भारत बनेगा जिसको गांधी ने बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए लाखों ने जान दी है. आज उस भारत को जिंदा रखना है तो हमें एक दूसरे को पहचानना है. हम कई भाषाएं बोलते हैं, हमारे रंग कई हैं, हमारी जातियां कई हैं, मगर एक चीज जो हमें मिलाता है वो है भारत, कि हम सब भारत निवासी हैं. लोगों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ा, जान दी मगर अपना वचन नहीं दिया, वही आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं. फारूक अब्दुल्ला जिंदा है तो भारत के लिए है, मरेगा तो भारत के लिए.